नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस ग्रुप के जो 5 शेयर हैं जो कि मतलब छोटे स्टॉक्स हैं, मतलब जो कि छोटे प्राइस पर मिल रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, एक तो रिलायंस हो गया जो कि रिलायंस के सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेड है, और उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरह समझिए आपके सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अब किन्हीं को लगता है हम छोटे प्राइस वाले जो रिलायंस के शेयर हैं उसमें इन्वेस्ट करें। देखिए, रिलायंस में जो छोटे शेयर हैं जो प्रॉफिटेबल है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट जो उतना ही सुरक्षित रहता है जितना कि रिलायंस में। लेकिन बस आपको जब प्राइस में गिरावट हो, जब स्टॉक काफ़ी गिर गया हो, जब वो अंडर वैल्यूड हो चुका हो, उस समय आपको इन्वेस्ट करना है। तो रिलायंस ग्रुप के जो 5 शेयर हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें आप जब प्राइस में काफ़ी गिरावट आ जाती है इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहता है। आप जो अलग अलग पैनी स्टॉक्स खरीदते हैं उससे अच्छा है कि इन पैनी स्टॉक्स को, एक तरह से पैनी स्टॉक ही कहेंगे क्योंकि अभी परफॉर्म नहीं किया है, तो जब गिर जाए तब आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, हमेशा आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा। अब देखिए, पहला है आलोक इंडस्ट्री, करेंट प्राइस है 26 रुपीज़। देखिए, बहुत दिनों से ये स्टॉक जो है देख सकते हैं, पहले काफ़ी कम प्राइस का हुआ करता था, लेकिन अभी जो इसमें मूवमेंटम आया उससे पहले भी ये मात्र 18 रुपीज़ का स्टॉक था। अगर आप 18 रुपये पर इन्वेस्ट करते और इसमें जो तेज़ी आया तो ये चला गया 26 रुपीज़ से भी ऊपर, तो 64% का रिटर्न मिलता है। देखिए, 64% बहुत बड़ा रिटर्न होता है, इस बात को याद रखिए, 64% बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। तो 64% का रिटर्न मिला आपको यहाँ पर। देखिए, 5 मई 2021 में आप इन्वेस्ट करते और उस समय से मई से लेकर के जून तक में आपको 65% 63% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इस तरह से आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपका सेफ भी रहेगा और आपके इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें मार्केट कैप पर, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आलोक इंडस्ट्री एक मिड कैप कंपनी है और कंपनी अपने बिजनेस में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और प्रमोटर रिलायंस जब हो चुका है तो प्रमोटर का कोई सोचना ही नहीं है, प्रमोटर काफ़ी बेहतरीन है, और कंपनी वर्चुअली डेट फ्री हो चुका है क्योंकि जब ये रिलायंस ग्रुप ने इसे एक्वायर किया तो ये डेट फ्री कंपनी हो गया। अभी इस पर काफ़ी सारा डेट दिखेगा जो कि पुराना डेट है और ये सारा डेट हट चुका है। तो अब आलोक इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी बेहतरीन क्योंकि रिलायंस ग्रुप का स्टॉक हो चुका है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, दूसरा जो रिलायंस ग्रुप से बेहतरीन स्टॉक में से एक है वो है हाथवे भवानी केबल टेल एंड डाटा कॉम लिमिटेड। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है रिलायंस ग्रुप का। जब इसमें भी आप गिरावट होता है आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे देखिए अप्रैल 2021 में 15 रुपीज़ का ये स्टॉक था, वहाँ से ये अपना हाई बनाया 23 का, तो वहाँ से देखिए 46% का रिटर्न मिलता। तो जब ये स्टॉक गिरावट में आ जाए तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, एकदम सेफ रूप से आप देख सकते हैं कि 40%, 50%, 60%, 65% आराम से आपको रिटर्न मिल जाएगा। कोई भी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का चक्कर नहीं है, बहुत सुरक्षित तरीके से आप यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। अब देखिए, हाथवे भवानी जो डाटा कॉम है और केबल टेल है उसकी मार्केट कैप की बात करें, मात्र 16 करोड़ का मार्केट कैप है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है। प्रमोटर 65% का स्टेक रखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो कहने का कोई बात ही है नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रहा है। लेकिन जो भी है, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो हाँ, देखिए, उस तरह के जो छोटे छोटे प्राइस जैसे तैसे पैनी स्टॉक में आप फंस जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप रिलायंस ग्रुप के इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। देखिए, 46 रुपीज़ ऑल टाइम हाई है इसका, मतलब 1 ईयर का हाई है। अगर आप यहाँ पर खरीदते हैं 20 रुपीज़, अगर 40 रुपीज़ तक चला जाता है तो 100% का रिटर्न होगा। तो ऐसे सेफ स्टॉक में ही आप पैनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे सेफ स्टॉक के साथ इन्वेस्ट करें, काफ़ी बेहतरीन रहेगा। अब देखिए, इसमें 3 स्टॉक, आपको 5 बताने हैं, 3 जो अब स्टॉक्स आने वाले हैं ये तो काफ़ी इवर ग्रीन रिलायंस ग्रुप का स्टॉक है, और जो आपके पास यहाँ पर 5 स्टॉक बता रहे हैं इसमें से 3 स्टॉक में हमारा भी इन्वेस्टमेंट है, एक आलोक इंडस्ट्री में, दूसरा ये देखिए हाथवे केबल में, और तीसरा TV18 ब्रॉडकास्ट में। तो आपको मैं भी बता दे रहा हूँ कि मैंने किस में इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखिए, इसमें हमने हाथवे केबल में इधर ही इन्वेस्ट किया था जब ये यहाँ पर आया था, लगभग 24 रुपीज़ के आसपास या 22 रुपीज़ के आसपास, तो यहीं पर मैंने इन्वेस्ट किया था, जबकि ये यहाँ से भी नीचे आया था 21 रुपीज़ 80 पैसा। यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो देखिए आपका रिटर्न लगभग अभी कितना होता, लगभग 30% का रिटर्न होता, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है एक छोटे टाइम फ्रेम में। शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसी तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स है उसके साथ जाना चाहिए, चाहे वो छोटे प्राइस का हो या बड़े प्राइस का, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छे प्रमोटर्स हैं उसके। अब देखिए, रिलायंस इसका प्रमोटर है तो प्रमोटर के लिए हमें कोई सोचना ही नहीं है, बस कंपनी क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। देखिए, प्रॉफिट
प्रॉफिटेबल दिखा देते हैं आपको। कंपनी बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, काफी बेहतरीन स्टॉक है। अब देखिए आप जैसे तैसे यस बैंक में चले जाएंगे, यस बैंक में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। रिटेल इन्वेस्टर ज्यादातर वहीं फंसते हैं जहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए इसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए, जब गिर जाए प्राइस, देखिए काफी राउंडिंग बॉटम पैटर्न मैंने आपको कई बार बताया है, जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न, देखिए यहां पर ओएफएस आया था, ओएफएस के बाद काफी गिरावट आया और यहां से फिर से तेजी दिखाया था, यहां पर देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था, तो यहीं पर मैंने भी लिया था। देखिए 23 रुपीज के आसपास मैंने भी लिया था, लेने के साथ ही ये स्टॉक रैली दिखा दिया, हमें बहुत ही जल्द प्रॉफिट मिल गया। तो इसी तरह आपको भी करना है। अभी देखिए इसका मार्केट कैप 4600 करोड़ का मार्केट कैप, अच्छा खासा है, हर चीज़ पॉजिटिव है, डेट फ्री कंपनी है, तो बिल्कुल डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, रिजर्व भी अच्छा खासा है, इन्वेस्टमेंट भी है, तो हर पैरामीटर तो देख सकते हैं। ऐसी कंपनी, ऐसी बेहतरीन कंपनी आपको इतने छोटे प्राइस पर मिल रहा है, तो फिर आप जैसे तैसे के साथ क्यों जाएं। अगर प्रॉफिट की बात करें 253 करोड़ का प्रॉफिट है, देख सकते हैं 253 करोड़ का प्रॉफिट, और ये सारी कंपनियां जो है डेट से काफ़ी लदी हुई थी, इसे रिलायंस ने एक्वायर किया, इसलिए ये सारी कंपनियां अभी आपको फंडामेंटली स्ट्रांग दिखती है। अदरवाइज ये कंपनियां जो है रिलायंस को एक्वायर करने से पहले इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये सब बातों को याद रखना है आपको। आप देखिए TV18 ब्रॉडकास्ट अभी करंट प्राइस है 43.50 रुपीज़। इस स्टॉक को मैंने लगभग 33 रुपीज़ पे लिया था, जबकि उससे भी काफ़ी नीचे ये स्टॉक आया था। देखिए आपको दिखाते हैं ये स्टॉक कितना नीचे आया था, 26 रुपीज़ पे। अब यहाँ पर अगर आप बाय करते और यहाँ से रिटर्न देखिए, लगभग आपको 65% का रिटर्न मिलता, 65% बहुत बड़ा है, एक महीने में आपको 65% का रिटर्न दे रहा है, और जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित है, क्योंकि ये सब कंपनी रिलायंस ग्रुप का कंपनी बन चुकी है, पहले नहीं था। तो अगर पहले का प्राइस देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो था, वहाँ से गिर करके स्टॉक काफ़ी नीचे आया था, यहाँ पर रिलायंस जो है एक्वायर किया एक साल पहले, और वहाँ से कंपनी काफ़ी अच्छी हो गई, बिजनेस भी काफ़ी अच्छी कर रही है, और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात है ना, तो फंडामेंटल्स में भी काफ़ी सुधार आया है। अगर देखिए मार्केट कैप का 7400 करोड़ का मार्केट कैप है, अब कंपनी पर जो डेट है वो है 892 करोड़ का, डेट टू इक्विटी की बात करें 0.21 का है, और रिजर्व कंपनी पास अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, कंपनी डिविडेंड अभी पे नहीं कर रही है। उसके बाद अगला जो कंपनी है TV18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और अगर बात करें करेंट प्राइस का 49.55 रुपीज़ है, और यहाँ पर अगर बात करें रिटर्न का तो 35 रुपीज़ से या 49 जा चुका है, तो कुल रिटर्न हुआ 57% का, तो रिटर्न जो है काफ़ी सॉलिड है इस स्टॉक का। अगर बात करें इसके फंडामेंटल का, तो ये इस कंपनी का फंडामेंटल में थोड़ा बहुत दिक्कत दिख सकता है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए डेट टू इक्विटी 4.41, लेकिन ये भी याद रखिए ये पेरेंट कंपनी है TV18 ब्रॉडकास्ट की। पहले तो मर्जर भी अनाउंस किया गया था डेन नेटवर्क हाथवे केबल के साथ, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया गया, तो अब मर्जर नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, अब मर्जर नहीं होना है। मार्केट कैप की बात करें 5188 करोड़ का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड भी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर्स होल्डिंग 75% है जो कि मैक्सिमम हो सकता है, रिजर्व भी अच्छा खासा, रिजर्व कम है 28 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये प्रमोटर कंपनी है TV18 ब्रॉडकास्ट का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, और अगर मर्जर हो जाता तब तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती, एक लार्ज कैप कंपनी बन जाती। तो इस तरह से इस 5 स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी सुरक्षित रहेगा, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इन सारे स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म के लिए जब भी गिरावट आता है ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, रिलायंस ग्रुप का स्टॉक है, आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जिसके लिए चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।